परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें से कुछ ही के पास यह दिव्य संदेश पहुँचेगा और उनमें से भी किसी एक के लिए यह दिव्य संदेश होगा। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य पर ईश्वर की असीम कृपा बरसती है तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है। जिन्हें लगता है कि इसकी जीत कभी नहीं हो सकती, वह भी जीत जाता है। जिन्हें लगता है कि वह जीवन भर साधारण मनुष्य के भांति ही जीवन यापन करेगा, वह अपने कुल में सबसे अधिक समृद्धि सेठ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अध्यात्म का कभी नाम तक भी ना सुना हो, वह भी ईश्वर का अधीन हो जाता है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ क्योंकि तुम अब विजय हासिल करने वाले हो, इसीलिए इस संदेश को सुनना तुम्हारा धर्म है। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वह घटित होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना तक भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही जो घटित हो जाना था, जिनका चुनाव प्रमाण कर लेते हैं उनके लिए वह स्वयं ही मार्ग प्रशस्त करने लगते हैं। जब तुम पूर्ण रूप से चिंता में डूबे हुए थे और अपने भविष्य का विचार तक नहीं कर पा रहे थे, उस क्षण तुमने अध्यात्म का सहारा लिया। तुम ईश्वर की गोद में आना चाहते थे और उसी क्षण तुमने बेहतर चुनाव किया। भले ही तुम्हें अभी कुछ भी समझ ना आ पा रहा हो, किंतु आगे तुम सब समझ पाओगे। तुमने जो बीज बोए थे वह कितने बड़े वृक्ष के रूप में हो गए हैं। ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाएं, जिनकी पत्तियां, फूल और फल तुम्हें जीवन भर लाभ देने वाले हैं। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत तरसे हो। कई बार तुम्हारे मन में केवल यही प्रश्न उठते थे कि तुम्हारा जीवन इसी प्रकार बीत जाएगा। सदैव से तुम यही चाहते आए हो कि कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बातों को बिना कहे ही समझ पाए और जो तुम्हारे लिए सहारा प्रदान करे, जिनके कंधे पर तुम अपना सर रखकर महसूस कर सको और जीवन के बंधनों से मुक्त महसूस कर पाओ। यही तुम्हारे लिए मोक्ष की परिभाषा रही है। किंतु जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि तुम जीवन में और भी ज्यादा उलझते रह गए। किंतु अब वह सभी उलझने तुमसे बहुत दूर जा रही हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में अपनों के लिए सदैव से ही प्रेम भावना रहा है। सबके जीवन शैली को बेहतर बनाने की तुम्हारी सदैव से ही प्राथमिकता रही है। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन बदल रहा है। चमत्कार तुम्हारे जीवन से
यह संदेश तुम तक एक तरंगों के माध्यम से ही तुम्हारे पास आज पहुंची है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कदम इस क्षण पड़ रहे हैं सफलता की ओर, समृद्धि की ओर। तुम बहुत अनमोल हो सबके लिए। इस बात को तुम अक्सर भूल जाते हो। थोड़ी सी विपत्ति, थोड़ी सी आपदाएं जैसी ही आती है तुम घबराने लग जाते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कौन हो। अब से तुम्हें छोटी छोटी बातों में ना ही डरना है और ना ही घबराना है। अब तुम्हें मुड़कर पीछे नहीं देखना है, जीवन में और भी आगे जाना होगा। मेरे प्रिय, बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में अचानक से ही आ रही हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेंगी। उत्साह से और उमंगों से तुम्हारा जीवन भरने वाला है। परमपिता परमेश्वर के इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। 111 अंक के साथ लिखे, मैं तैयार हूँ परमेश्वर दिव्य उपहार के लिए। आँख बंद करके अनुभव करो उन खुशियों को जो तुम तक लगातार तेजी से पहुंच रही है। तुमने परेशानी झेली एक हद तक, तुमने परेशानियों को झेल रखी है। तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ी तो इतनी बिगड़ गई कि कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। सुबह से लेकर शाम तक तुमने संघर्ष किया अपने लिए स्वयं अकेले। तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे अपने भी आगे नहीं आए। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे मन में यही विचार थे कि जब तुमने सबके लिए खड़े हो जाते थे तो आज तुम्हारे मुसीबत के समय कोई क्यों नहीं तुम्हारे साथ खड़ा है। परंतु मेरे प्रिय, उस क्षण भी परमपिता परमेश्वर एक दिव्य शक्ति के साथ तुम्हारे साथ खड़े थे। यदि आप परमेश्वर की ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करते हैं तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। धीरे धीरे समय बदला और तुम हर समस्या से बाहर निकलते चले गए। स्मरण करो, आज तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा हो रही है और इससे भी सुनहरा कल तुम देखने जा रही हो। तुम पर जो गलत इल्जाम लगे, जो दोष लगे, अब उन सब से तुम मुक्ति पाने वाली हो। मेरे प्रिय, तुम बहुत ज्यादा परेशान थे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने जीवन को खुशहाली से भरने वाले हो। यदि तैयार है तो 906 अंक लिखें। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दोगे? क्या तुमने आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी अभिलाषा से ही किया था, या तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर ले आया गया? तनिक स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व तुम क्या थे? क्या आज तुम स्वयं को अपने पूर्व स्वरूप से
एकदम अलग नहीं देखते हो। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारा ना जाने वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी। मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान पूर्वक विचार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें हाथ पकड़कर इस मार्ग पर लाया गया है। ब्रह्मा ने उस भीड़ से तुम्हें चुना है जो कईयों के भाग में लिखा तक भी नहीं होता है। उस कार्य के लिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, इस धारा पर अपनी आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए। समय तो रेत की तरह फिसलता ही जा रहा है। कली का प्रकोप धीरे धीरे सबकी बुद्धि का वशीकरण करता जा रहा है। तुम अभी तक इसी कारण सुरक्षित हो क्योंकि तुम्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए चुना गया है। तुम्हें ऐसे जन्मदाता प्रदान किए गए जो तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक के बीज अंकुरित कर सके। इसीलिए आभार व्यक्त करें 444 लिखे, क्योंकि अब भाग्यशाली इंजिन नंबर आपको सही दिशा दिखाने में सहायता प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते किंतु तुम्हें गर्भकाल से ही सत्य और धर्म के संस्कार दिए गए हैं, वरना तुम ही विचार करो, इस घोर अंधकार कलयुग में डूबे जा रहे युवा और वृद्ध, जहां सबकी बुद्धि पल चुकी है, वहां तुम सही और गलत का निर्णय कैसे ले पा रही हो? कोई शक्ति निरंतर तुम्हें पीछे खड़ी है जो तुम्हें सही गलत का फर्क बता रही है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। कली के प्रकोप में ऐसा खेल रचा जहां धर्म से चलने वालों का अपमान और धर्म से चलने वालों का सम्मान होता है। नशा करना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों के दुखी देखकर प्रसन्न होना, दूसरों के धन को धोखे से ही अपना बना लेना, जुआ खेलना, लोगों को अपमानित करना, यह बड़े ही लोग कर की बात मानते हैं। यदि हजारों में कोई एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का विचार भी करे तो उसे ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वह कोई अपराधी हो। वास्तव में कलयुग का राजा अपनों की ही बुद्धि में बैठकर व्यक्ति को मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है और वह सफल भी हो जाता है। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो 333 लिखे और यूनिवर्स को धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने आपको किसी कारण से चुना है। क्योंकि अब भीड़ कलयुग के पास होगी, धर्म के साथ चुने गए धर्म रक्षक होंगे। मेरे बच्चे, तुम एक धर्म रक्षक हो, इसीलिए स्वयं को पहचान लो। तुम्हारा अवचेतन मन अनंत शक्तियों से
जुड़ने का यंत्र है, जो हर एक पल ब्रह्मांड की अनंत तरंगों से जुड़ा हुआ है। यही यंत्र है जो तुम्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन देता है, जिन्हें तुम परमपिता परमेश्वर का आवाज कहते हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जागना होगा। अब उस कार्य के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए इस प्रकृति ने तुम्हें चुना है, जिसकी प्रामाणिकता इन छह बातों से ही हो जाती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दूसरे समय काल के हो। तुम्हारा जन्म इतिहास में हो चुका है। तुम्हारी परिपक्वता हम उम्र के लोगों से कहीं अधिक है। तुम्हें बार बार किसी कार्य को करने की प्रेरणा अंतर मन से दी जा रही है। तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो, चीजों को समझते हो। तुम्हारा मन रुई के समान कोमल है, इसीलिए तुम आध्यात्मिक भावुक हो। चीजों को गहराइयों से समझने का प्रयास तुम कर लेते हो। यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो तो तुम समझ जाओ तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि पत्थरों के ढेर में रतन की पहचान केवल चोरी को ही होती है। यह रत्न तुम हो, जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह संदेश आज तुम्हारे आंखों के सामने उपस्थित हुआ, इसका अर्थ यही है कि तुम इस संदेश के हकदार हो। इसमें तुम्हारा संदेश है, तुम भाग्यशाली आत्मा हो। इसीलिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके पूर्ण समर्पित करो और अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। परमात्मा आपके साथ है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कहो, हे प्रभु, जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाइए। हे परमात्मा, जो मेरे आत्म उद्देश्य से अवगत मुझे करवा दीजिए। हे परमेश्वर, जो थक गए हैं हार गए हैं उन्हें फिर से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करें। Type yes if you believe. Divine blessing. Like, share and subscribe. Bye bye.